सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। देखो आज क्या है, आज है अपना संडे है। आराम से अभी तक आराम कर रहे थे, सब पूरे शॉर्ट्स बढ़िया तरीके से बनाए। एक तो आज आपको रात को संडे को ज़रूर मिलेगा, आज रात का शॉर्ट अच्छा आएगा। देखो आज का जो मेन है ब्लॉग बनाने का रीज़न, वो ये है कि आज जयपुर में पहली बार NPC होने जा रहा है। अब NPC जिसको नहीं पता है, NPC आगे जो व्लॉग आ रहा है उसके अंदर बताऊँ NPC क्या है, पर थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ। शेरू क्लासिक होता है तो शेरू क्लासिक की एंट्री टिकट होती है, बाकी हमारे सर से वगैरह पूछाते हैं। इस कंपटीशन में बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक, पावर लिफ्टिंग तीनों का हो रहा है। इस कॉम्पिटिशन में हमारा जिम का तो नहीं, पर हमारे सर का एक स्टूडेंट खेल रहा है, राहुल खेल रहा है। तो NPC हो रहा है वैशाली नगर के अंदर। वैशाली नगर में चल के ही आप सब लोगों को बताऊंगा कि क्या वेन्यू वगैरह है, कैसे क्या कंपटीशन वगैरह है। ऐसे तो अपने पास वेन्यू आया नहीं है, पर क्या कहते हैं, देखेंगे उधर जाके एक बार वेन्यू आ जाए, फिर उधर चल के ही सब कुछ दिखाएंगे। पर ये ज़रूर है कि कंपटीशन एक नंबर होने वाला है। और यार NPC हो रहा है यार राजस्थान में, आज इससे बड़ी बात तो क्या, राजस्थान के एथलीट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया बात है। और अब राजस्थान में भी कंपटीशन होने चालू हो चुके हैं, तो रेडी हो जाओ अब सारे के सब, चल के फिर दिखाते हैं कैसा क्या कंपटीशन। तो फाइनली रीच द डेस्टिनेशन। अब देखो ऐसा है कि आ चुके हैं अपन इधर। कहाँ है डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन है KVGIT डंग्याच ऑडिटोरियम। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है यार ये भी एक जयपुर का। और देखते हैं अब अंदर जाके कैसा क्या रहता है। पर बाहर से तो यार जैसी भीड़ वगैरह देखने को मिली है अभी तक, उस हिसाब से तो यार अच्छा ही होगा। बाकी यार आते हुए क्या कहते हैं, इतनी गर्मी थी। आज जयपुर का पारा भी आई थिंक 46 डिग्री है, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहा है रोज के रोज ही। और चलो, इतनी सारी गाड़ियाँ लग रखी है, इतने सर पार्टिसिपेंट हैं। अपन नहीं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया। देख लो, वेलकम एथलीट हेमंत जी का। इधर भी कुछ ना कुछ है, अंदर चल रहे हैं अपन लोग। अब किसी को फ़ोन करते हैं अंदर का। देखो ये तो सब हमारे बड़े बड़े स्पॉन्सर है, पिंटोला एनर्जी का, प्रोटेक्स एनर्जी फाइव वगैरह, ये सब न्यूट्रिशनल एक्सप्रेस, ये जो है न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, ये हमारे पंकज सिंह भैया का है। ये देखो भीड़ भाड़ अच्छी खासी भीड़ भाड़ रखी है, एक नंबर देख लो। तो देखो ऐसा है, नरेश भी अपने आ चुके हैं, ये अपने प्रोटेन के कुछ ऑफिशियल चल रहे हैं अपन। नरेश भैया यूट्यूब ऐसा कुछ अपना वीडियो है यार। ये अपने नरेश भैया, पर यार कुछ बोलो, ऑडिटोरियम तो यार बहुत सेक्सी चीज़ है यार, एक नंबर। अपना चलो एक बार नीचे चलेंगे, मेन पावर लिफ्टिंग का है अपना, अभी नीचे चल रहे हैं। यहाँ पे सर ऑफिशियल लग रखे हैं, मतलब जज वगैरह लग रखे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं पहले, तो फिर ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह का दिखाएंगे, ठीक है। ये देख लो बीच में आते आते ये देख लो एक्सपो आ गया, एक बढ़िया सारा, जिधर जितनी ब्रांड ने स्पॉन्सर किया ना सब इधर सारे ब्रांड के वो लग रखे हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉल लग रखी है, एक शर्ट कर एक पिंटोला वगैरह सब की। अब अपन तो अंदर चलेंगे भाई। ये अपने कुछ दोस्त लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग वुमेन और स्ट्रॉन्ग मैन खेलने आए हुए हैं, ये देख लो सारे के सारे। देखो इधर है ना, क्या चल रही है, डेडलिफ्ट चल रही है। काई की स्ट्रॉन्ग मैन वाली की डेडलिफ्ट चल रही है। देखो 100 किलो से इनको 12 लगाने सेकंड के लिए, और अगर फर्स्ट आना है तो 20 रैप। आएंगे ये अपने सर, ये अपने चाचा रे, चाचा चलते हैं उधर आगे। चलो बजाओ
अभी आ देखो पावर लिफ्टिंग तो देख लिया, अब चलो राहुल के पास चलते हैं। राहुल कहाँ पर खड़ा है? बॉडी बिल्डिंग खड़ा है, बैक स्टेज खड़ा है। बैक स्टेज पर अपन गए भी नहीं है, बैक स्टेज भी देखेंगे कैसे कैसे एथलीट आ रखे हैं, किस हिसाब से कॉम्पिटिशन हो रहा है बैक स्टेज वाला, वो देखते हैं। ये देखो भारत सिंह वालिया का लग रखा, बहुत बहुत लोगों का लग रखा है। ये देखो सुनील लोचाप का लग रखा। अब अपन अंदर की तरफ जा रहे हैं अपने बढ़िया तरीके से। ये आगे आगे अपने सर चल रहे हैं। कहाँ पे आ गए ये अपन? अच्छा, ओ माय गॉड, ओ बढ़िया, अच्छे अच्छे एथलीट हैं यार। जूनियर एथलीट भी अपने भाई और सीनियर भी हैं कई सारे। ये देखो राहुल वगैरह सब खड़े हैं इधर। ये अपने राहुल रहा। राहुल की फिजीक अच्छी लग रही है यार, फिजीक तो। रोप नहीं लाए क्या? अच्छा रोप लाए नहीं है। देखो अपन सर वगैरह, सर कह रहे रोप नहीं लाए। तो अब जो वार्म अप होता है वो एक इलास्टिक रोप से होता है, तो वो तो अपन कर नहीं पाएंगे। बाकी ये देख लो कैसे क्या लोग हैं अपने। राहुल खेल रहा है अपने 70-75 वाली कैटेगरी। अब देखो शायद 75-80 खेल रहा है, मैं पूछ के बताऊंगा कौन सी क्या कैटेगरी खेल रहा है। अब यार ऐसा है, ये देखो सारे के सारे ना कुछ ना कुछ बढ़िया एक नंबर रखे हैं यार सारे के सारे यार। ये तो है यार, पर क्या करें, पर अपन नहीं खेल रहे तो नहीं खेल रहे। देखो नरेश भी अरे हाँ, पर दिक्कत तो है यार अपने भी, इसीलिए नहीं खेल रहे। अब देखो अपन कब खेलते हैं। अभी तो नहीं खेलेंगे अपन थोड़े टाइम पे, पर पीछे कुछ जूनियर के पार्टिसिपेंट। ये देखो राहुल की टैनिंग होते हुए, ये मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट या सेकंड कोर्ट लग रही है, और आई थिंक सॉरी सेकंड लग रही है, सेकंड लग रही है कोर्ट। ये प्रोटेन वाले भाई, ये एक और भाई, सेकंड कोर्ट लग रही है बढ़िया। अब देखो कैसे क्या चढ़ती है। ये अपने सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स, मैन फिजिक एथलीट। एक यार अपने सर जो है ना, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी ये जो फेज चल रहा है इसको अपन कहते हैं बैक स्टेज। बैक स्टेज में क्या क्या रहता है? प्रोटेन लग चुकी है, तीनों कोर्ट लग गई है, तीनों लग गई, एक लगी है अभी, सिंगल कोर्ट लगी है। और देखो बैक की कंडीशन दिखाओ हमारे राहुल की, बैक बढ़िया आ रही है। अभी शोल्डर का वर्कआउट चल रहा है बढ़िया सारा। वर्कआउट तो क्या चल रहा है, वार्म अप चल रहा है। शोल्डर कंप्लीटेड। अभी देखो ये होती है इलास्टिक रोप, इलास्टिक रोप से ट्राइसेप की कर रहा है ये। बाकी तो उधर सर पूछ रहे हैं कैसे क्या नंबर आएगा, बाकी एथलीटों को भी देख रहे हैं। अब यार ये देखो ये भैया भी बढ़िया लग रहे हैं। और क्या कहते हैं प्रोटीन का यार एक ही चक्कर रहता है, यार प्रोटीन थोड़ा जल्दी लगा देते हैं ऑफिशियल वगैरह। बाकी जो ड्रीम टेन होती है ना वो ज़्यादा इतनी देर भी नहीं लगती। प्रोटीन को एकदम सुखाना पड़ता कूलर के सामने। वो देखो वो भाई अपने कूलर के सामने प्रोटीन सुखा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड कोर्ट को। अब देखो शोल्डर हो गया, बाइसेप हो गया। बाइसेप तो क्या हो गया, बाइसेप अभी चल रहा है यार, बाइसेप चल रहा है, ट्राइसेप हो गया और शोल्डर हो गया। और बैक की तो अभी खींच रहा है, पर यह मेहनत रंग लाएगी जरूर। हमारे राहुल जी की सेकंड कोर्ट भी डन हो चुके, देखो कैसे लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, इनहेंस हो गया आ रही है। और ये इस वाटर में अपना इलेक्ट्रोल डाल रखा है अपना, ज़्यादा नहीं कंज्यूम करेंगे क्या है, स्टेज पे जब जाते हैं अपन तो क्रैम बैठते हैं। राहुल ज़्यादा नहीं करनी, 5 ही स्टेज पे जाते हैं जब पोजिंग करते हैं तो क्रैम बैठता है बहुत 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 ज़्यादा। तो उसके लिए इलेक्ट्रोल काम आता है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा सॉल्ट हो, क्योंकि सॉल्ट अपन बहुत 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 दिन तक छोड़ के रखते हैं। मिनिमम यार डिपेंड करता है कौन कितने दिन सॉल्ट छोड़े, तो बहुत दिन हो जाते तो क्रैम बैठता कभी है इसमें, कभी गाय में, कभी गाय में, और इससे गंदे बैठते कि निकलते भी नहीं। तो हल्का बहुत सॉल्ट जिससे क्रैम ना पकड़े स्टेज पे। देखो कंडीशन भी अच्छी लग रही है, बढ़िया आ रही है। वॉलिनी वगैरह होती है ना, ये क्या कहते हैं वॉलिनी हुई, ये फिर मूव वगैरह हुई, ये यार ये छिड़क छिड़क के साला ड्रीम टेन वाले यार पूरे इधर ऐसे सांस के अंदर भी साला आयोडेक्स वगैरह आ रखा है। सर के अंदर चढ़ रही है, आँखों के अंदर चढ़ रही है, ये आयोडेक्स वगैरह फिर चढ़ती अलग है यार। थोड़ा यार करो ना तो सब थोड़ा दूर करा करो यार ऐसे एक साथ। Oh, I thank you so much at least for showing such enthusiasm.
All right, so now I'd like to call upon the stage the whole team of NPC. NPC team, please come on stage. Hemant sir, Sunil sir, auditorium mein. अभी राहुल की कैटेगरी तो आई नहीं है, बाकी क्या कहते हैं कोई सी कैटेगरी चल रही है, 70-75 चल रही है। अब अपनी राहुल की कैटेगरी चालू हो चुकी है। राहुल का देखो पूरा दिखाऊंगा, बाकियों को मैंने नहीं दिखाया, मैं मानता हूँ, पर राहुल का पूरा दिखाऊंगा। देखो राहुल की कैटेगरी के अंदर बल्ले फूट कर रहे हैं, क्योंकि बीच की कैटेगरी रह गई। So, आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, एनर्जी फाइव न्यूट्रिशन जोधपुर के आपको स्टॉल पर जाओ। ये देखो राहुल अपना किधर खड़ा है, किधर खड़ा है, ये है अपना राहुल। बहुत सही, देखो सारे बॉडी बिल्डर अच्छे हैं यार, कोई सा भी मतलब ऐसा नहीं, सब मेहनत करते हैं, पर अपने राहुल की तो बात ही अलग है। बहुत सही, शूटिंग कर सकते हैं ना, हैं अलाउड नहीं शूटिंग, अलाउड नहीं, सॉरी सॉरी गाइस, शूटिंग अलाउड नहीं है। एटलीस्ट फ्रंट डबल बाइसेप्स, ब्लॉगर में चांटा पड़ गया, ब्लॉगर हमारे को चांटा पड़ सकता था अभी तो। ये अपने राहुल जी रहे यार, एप्स पे अप टाइट किए इसने। फ्रंट लैट स्प्रेड, फ्रंट ये बहुत सही है, बहुत सही है। होल्ड टाइट करो बेटा राहुल, साइड चेस, बहुत सही। अब ये साइड चेस प्रेस आ गया अपना, साइड चेस प्रेस के अंदर राहुल की फिजिक अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। बैक डबल बाइसेप्स, बैक डबल में देखते हैं किसका क्या रहता है। मेरे ख्याल से तो टॉप फाइव राहुल आ जाएगा, टॉप फाइव आ जाए तो एक नंबर है ना। ये देखो ये जो अपने सेकंड नंबर ब्लू कलर की अपनी जर्सी के अंदर, वो भी अच्छा है, राहुल की भी अच्छी खुल रही है, सबसे अच्छी। बैक लैट स्प्रेड, राहुल की बॉलिंग ज़्यादा लगा दी, बढ़िया आ रहा, सबसे बढ़िया आ रहा, एक नंबर है सब। ये अपने राहुल, ये रहा लास्ट साइड ट्राइसेप्स, लेट हाँ कंधों घुमा, एब्डोमिनल्स एंड थाइस, एब्डोमिनल वाला पोज देखता हूँ यार, आप तो बढ़िया रहा है। देखो सही बात बताऊँ ना, फोर बट बढ़िया, देखो फोर कितना बढ़िया पकड़ रखा है, कोर तो मतलब अच्छा लगा। 225 यू कैन गो, थैंक यू। 506 506 नंबर, 506 नंबर एंड 225 बोला, मैंने बोला था टॉप 5 में। एक दो तीन चार टॉप फाइव चल रहा है, अब टॉप फाइव में से टॉप थ्री छाट रहे हैं। फर्स्ट वाला तो एक ही है, वो बीच वाला 5.5। रिलैक्स रिलैक्स, साइड ट्राइसेप्स, थर्ड बता रहा हूँ उधर से, थर्ड का बल कितना बढ़िया आ रहा है, लेग की नाउ तो प्रो, रिलैक्स एब्डोमिन विद थाइस, थर्ड है राहुल, हाँ अभी भी पैर खींचेगा तो थर्ड आएगा, वरना फोर्थ रह जाएगा, अभी भी कह रहा हूँ। और रिलैक्स 304
देखो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है राहुल का, अभी तक टॉप फाइव के अंदर आ गया। अब बस सही पकड़ रखा है यार, ऐसे तो कोर वगैरह सही पकड़ रखा, बाकी जीता गया थोड़ा मसल मास कम है, बाकी तो देखो अब ये फ्री पोजिंग होने वाली है। और दो तीन लड़के तो यार अमेजिंग है यार, चलो देखो 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 जल्दी फ्री पोजिंग का टाइम, देखो फ्री पोजिंग चल रही है, फ्री पोजिंग गाने की आवाज ज्यादा है, ये वाला अपना एकदम डार्क कॉर्नर राहुल का है, ये वाला आप भी कभी भी कंपटीशन खेलो ना और ऐसा फ्री पोजिंग वगैरह का आपका है तो यार एक राहुल अभी एक ही गलती कर रहा है, सामने आने दे रहा है लोगों को और एकदम साइड हो गया। आपको क्या बीच में रहना, हमेशा बीच में रह के जैसे बाकी लोग पोजिंग दे रहे हैं ना एकदम बीच में रखे, वैसे ही आपको देनी है बीच के अंदर पोजिंग। अपना राहुल तो या देखो साइड के अंदर, या देखो साइड के अंदर मस्कुलर पोज दे रहा, जजेस ज़्यादातर सामने देखते हैं, साइड के अंदर थोड़ी नज़र कम जाती है, तो जजेस की नज़रों में रहो, मेन बात यही है कि जजेस की नज़रों में रहो। नज़रों में जितना रहोगे फुटिंग वगैरह तो अलग चीज़ है, बाकी बॉडी बिल्डिंग में जो सबसे मेन है, बॉडी बिल्डिंग में मेन फिजिक हुई, कोई सा भी स्टेज कंपटीशन है, सबके अंदर एक ही चीज़ मेन रहती है आपका पोजिंग। पोजिंग के अंदर ही सबको लगता है ईजी है पोजिंग, होती नहीं है पोजिंग ईजी, मेन वाइज पोजिंग है। जिसने चाहे मान लो आपने बहुत बहुत अच्छी फिजिक, सब में अच्छी फिजिक बना रखी है पर आपकी पोजिंग वीक है ना, तो आप नहीं जीत पाओगे, और आपकी पोजिंग अच्छी है तो भाई साहब चाहे लो फिजिक जीत जाओगे। ये देखो अपना राहुल आ चुका है थर्ड इन बॉडी बिल्डिंग, अभी मेन फिजिक बात की अगले का सेकंड प्लेस, अभी गोस टू कॉस्ट्यूम नंबर 304 मैंने थर्ड गई थी ना, तुम तो राहुल थर्ड आएगा, थोड़ा माइक का वॉल्यूम बढ़ा देंगे प्लीज, ट्रेनर लग रखा है ना, राहुल तो बैक स्टेज चलते हैं, मिलते हैं राहुल की ट्रॉफी कितनी बढ़िया लग रही है, बढ़िया यार एक नंबर यार, थोड़ा सा पानी वानी पिलाए पर ज़्यादा भी नहीं पिला सकते, ज़्यादा पिलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी इसका एक और कंपटीशन बाकी मैन फिजिक का, बाकी जो मेजरली जो डिजर्व करता है वो अपने सर ही हैं जो डिजर्व करते हैं मेहनत, क्योंकि उन्होंने भी की ही है उन पर, तो दोनों की मेहनत रंग लाई यार। देखो बढ़िया तरीके से फोटोशूट वगैरह होगा थोड़ी देर इनका, ज़्यादा देर का नहीं क्योंकि मेन फिजिक आने वाले, थोड़ा सा डिवीज़न और बच्चे हैं पर। अब यार अपन चलते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह दिखाई राहुल ने, चलो बहुत बढ़िया लग रहा है उसके लिए, वो जीत के आया, हाँ थक गए पर बॉडी बिल्डिंग चलो दिखाई आपको। अब चलते हैं पावर लिफ्टिंग पर, पावर लिफ्टिंग की तरफ वापस चल रहे क्योंकि डेड लिफ्ट उधर की कंप्लीट हो चुकी थी, ब्रेक चल रहा था, अब अपने सर भी वापस गए हैं ऑफिशियल के लिए उधर, तो उनके साथ अपन भी थोड़ा बहुत रहे हैं तो इसलिए अपन वापस चल रहे हैं। एक्सपो से होके तो नहीं चल रहे, इधर से साइड में से होके निकलेंगे अपन। तो ये देखो बढ़िया क्या हो रहा है, इधर देखो दिखाते हैं, देखो बॉडी बिल्डिंग जो वापस आए हैं सेलिब्रेट किया, थोड़ी देर में आएंगे दिखाएंगे है ना। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है लॉग प्रेस, लॉग प्रेस दिखाऊंगे, लॉग प्रेस क्या होता है अपन खेलते हैं ना, अपन पे कुछ ना कुछ तो जीत ही लाता मैं, पर ये है अब जब कुछ भी होगा ना जब गारंटी खेलेंगे तो लॉग प्रेस दिखाऊंगा, लॉग प्रेस हो रही है चौथा रहते इसका। देखो अपन एनपीसी आ रखे थे ना, तो एनपीसी में अपन मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया से, अपने प्यारे अनिरुद्ध जी से, तो ये स्ट्रॉन्ग मैन है, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इनका, एक बार जाके प्रोफाइल जरूर 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 से चेकआउट करनी है, इनकी बहुत अमेजिंग बहुत बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट है, एक बार उसको भी सर्च आउट करो, एक लाइक इनके लिए बनता है ज़रूर, ठीक है। देखो ऐसा है राहुल की बॉडी बिल्डिंग वगैरह सब हो चुकी है, ये वाला जो कॉम्पिटिशन है वो क्यों ज़रूरी होता है एन पी सी, तो शेरू क्लासिक खेलना है ना,
तो ये खेलना बहुत 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 ज़रूरी है। छः रुपये क्लासिक खेलने के लिए एक तरह से एंट्री टिकट है। अभी तक राजस्थान में होता नहीं था, थैंक यू अरुण भैया कि ये हमने लगा है। तो अब अपने जो राजस्थान के एथलीट हैं उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा एनपीसी खेलने। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा था, ऐसे हर कुछ भी कॉम्पिटिशन करा दिया, A1 कॉम्पिटिशन करा अरुण भैया ने, हेड्स ऑफ टू यू। अब देखो राहुल की कैटेगरी आ चुकी है मेंटिटी की, अब अपन वो दिखाने चलते हैं राहुल की कैटेगरी, ठीक है। मेंटिटी देखते हैं, फिर थोड़ी देर रुकी, फिर इधर से चलेंगे, फिर ब्लॉग एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, भरत सिंह वाले जी को दिखाओ, भरत सिंह वाले जी एक नंबर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भरत सिंह जी का ये हमारा दूसरा इवेंट है साथ में। और जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपकी आवाज, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राजस्थान की मिट्टी को कोटि कोटि प्रणाम। जानते हैं राजस्थान की मिट्टी क्या है? आप सभी लोग राजस्थान की मिट्टी है, ये बहुत गहरी बात है, समझ आएगी किसी दिन। एनी टाइम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय कमलेश गोयल, पुनीत गोयल, अमित गोयल, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजर, जिसमें एक दूसरे को पूछते हैं क्या हाल है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और साथ ही साथ आप लोगों ने मेरे विजडम को, मेरे इंटेलेक्ट, मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ बॉडी बिल्डर से, मैं खुद एक एथलीट हूँ, इसीलिए मैंने 5 मिनट आपने एक्स्ट्रा वेस्ट कर। जय सियाराम। कोई भी सेलिब्रिटी है इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्लीज स्टेज पर बने रहे, क्योंकि जो हमारे एथलीट्स है ना, इनको अब बारी है इनकी मेहनत का पुरस्कार देने की, और वो आपके हाथों दिलवाया जाए तो ये सब भाग्यशाली होंगे, हम सभी बहुत भाग्यशाली होंगे। या शोर शराबा बहुत है, जोरदार ताली हो जाए एवरीबॉडी। इसमें मैं एक क्लिप डाल दूंगा जिसके अंदर क्या था क्वेश्चन, वो पूरा बताया जाएगा, और क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये देखो क्वेश्चन पढ़ने के, वो वीडियो पोस्ट करके, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। पर यार भारत सिंह वालिया जी की एक बात है, जहाँ नाम आ जाता है ना वहाँ एक ही चीज़ आती है, जय श्री राम, जय श्री राम। और यार हिंदुत्व के लिए यार क्या ही कर रहे हैं, जो भी वो लुक कम है बस ये मान। देखो बैक स्टेज एथलीट दिखाता हूँ, बैक स्टेज क्लास ये चल रही है, मैं मतलब चलिए बैक स्टेज गए, अभी राहुल वगैरह सब गए, राहुल को अच्छा बहुत कुछ समझाया है अपन ने, अब ऐसा है कि जस्ट समझा के आए। देखो बैक स्टेज एथलीट दिखाऊंगा, आज मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, आने वाले कुछ ही सालों में राहुल का कॉम्पिटिशन नहीं आ रहा अभी अपने साथ। IHFF के मेन प्रेसिडेंट है शेरू क्लासिक जी के, नाम मेरे को आ नहीं रहा, मैं इधर डाल दूंगा नाम वगैरह, वो दिखाता हूँ। IHFF के जो ब्लू शर्ट के अंदर हैं, ये अपने IHFF के प्रेसिडेंट है ना, और ये अपने वो जो आपको मिला है आशीष जी, ये अपने अरुण भैया, अरुण भैया वर्ल्ड, अरे अरुण भैया के मैं आपका नाम भूल गया, जतिन जी हैं ये हमारे साथ। अरे ये तो चाचा, ये चाचा रहे हमारे चाचा इन क्लीन शेव, मेहनत कर रहे अपने कैमरामैन भाई फोटोज वगैरह निकालने के अंदर। एक थम्स अप इनके लिए बनता है, मैं तो कर नहीं सकता, सामान बहुत है लेकिन थम्स अप एक इनके लिए, जिन्होंने सुबह से एथलीट्स के लिए फोटोज वगैरह निकाली, वीडियोस वगैरह निकाल से मिलना है आता हूँ आपको भरत सिंह वालिया जी से। नंबर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, जान पहचान लगे तो और भी बढ़िया बात है, बाकी देखते हैं। पता नहीं भरत सिंह जी को ऐसे ही दिखाता अपने सामने हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। फोटो खिंचाते हैं, बहुत बहुत भीड़ है, नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं। के साथ फोटो खिंचाई, रकम तो उनको सब कुछ बताया अपने चैनल वगैरह के बारे में, और इतने बढ़िया आदमी थे ना, इतनी पोलाइटली इतनी हम्बलनेस के साथ बात कर रहे थे, मतलब सही बात हो मज़ा आ गया। ये अपने कैमरा हम सब अपने दे दिया है, अब अपने सर वगैरह बिजी है मेडल वगैरह देने के अंदर, मेडल वगैरह देते हैं फिर ये मान लो फिर निकलेंगे ही हम, फिर आराम से निकलेंगे, बढ़िया रहेंगे। अरे आज का ब्लॉग एक नंबर शूट हो रहा है अपना, तो इतना तो है, बाकी ये है अपन
शेरू क्लासिक जरूर जाएंगे, शेरू क्लासिक जाएंगे। पावल 221 राहुल का नंबर आ चुका है मेन के अंदर, भारत भरत सिंह जी के 300 सब कुछ 324 312 310 ये राहुल जी हैं, ये 203 देखो जूम करके 402 दिख रहा है राहुल सब बढ़िया है, एथलीट 222 निकलेगा, 502 बढ़िया है, सब बढ़िया एथलीट है, बट सबसे अच्छा जो लग रहा है ना 323 देखो आपको दिखाऊं, हां बैठ ले तू 300 नंबर एक नंबर लग रहा है तुमसे, बाकी राहुल तो है ये अपना, खैर बढ़िया 8:30 300 नंबर का बहुत अच्छा है, फर्स्ट कॉलर वाले एथलीट है वाले राहुल का नहीं बैठा, बॉडी बिल्डिंग बैठ गया था, पर मैन फिजिक में यार एक कसम से एक नंबर एथलीट आ रखे थे, है ना रेश भैया, मैन फिजिक में कैसे एथलीट आ रखे थी, एक और आगे भेजिए, एक और बॉडी बिल्डिंग में कैसे 202 आगे आइए, सारे वेट कैटेगरी मेन जो है अभी जो गाइस डोंट मेक अ बैक टर्न, मेक अ बैक टर्न, एक चीज देख रहा हूं मेन मसल मास देख रहा हूं, कटिंग वटिंग से इतना वो नहीं है, पर मसल मास एनपीसी के अंदर पहला कंपटीशन है, चिल्ला भी नहीं सकता अपन पर, लोग तो चिल्ला रहे हैं यार, अपन के नहीं ना सही है, इज द फ्रंट देखो चंदा गड़ी फोर क्या रहता है, पर अब थोड़ी देर में ब्लॉग एंड करते हैं, तो ऐसा है घर भी आ चुके हैं, खाना भी खा चुके हैं, पर क्या थक बहुत चुका है, ये तो है, कपड़े वगैरह सब खोल दिए आराम से, गर्मी हो रही है भयंकर जयपुर के अंदर, इस लोग के अंदर अपन ने पूरा एनपीसी कंपटीशन दिखाया आपको, मेन फिजिक बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग सब कुछ, देखो एनपीसी क्या होता है, रोड टू शेरू क्लासिक होता है, इसके अंदर क्या ये खेलना ज़रूरी है, शेरू क्लासिक अगर खेलना है तो, राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है, हेड्स ऑफ वरुण भैया, आगे ऐसा कॉम्पिटिशन होते रहेंगे, अक्टूबर के अंदर बताया ऐसा कंपटीशन वापस होगा एनपीसी, तो जो अभी नहीं खेल पाए वो आने वाले दिनों में खेल लेना, मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इंस्टाग्राम आप आईडी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इस व्लॉग की एंड करते हैं अपन यहीं पे, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, एक नीचे प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, ठीक है।